हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन एरिट एकेडमी एंड फाइनली वी आर लॉन्चिंग आवर करंट अफेयर्स कोर्स फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस फॉर 2024. यस, सो यू फॉर यू पी 2024. दिस वाज वन ऑफ द मच अवेटेड कोर्स ऑन एरिट एकेडमी. स्टूडेंट्स वर वेटिंग फॉर इट इनफैक्ट आज ही मॉर्निंग में हमारे टेलीग्राम चैनल पर काफी लोगों ने बारे में इंक्वायर किया है अबाउट कोर्स

क्लासरूम प्रोग्राम सो दीज क्वेश्चन इट इज दूमेंट फॉर सेलिब्रेशन एंडस्फेक्शन जब क्लास आप पढ़ाते हो और उससे पढ़ी हुई चीजें या स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उसमें से चीजें आ जाती है देन यू फील सेटिस्फैक्शन बहुत अच्छा लगता है ना आई एम वेरी श्योर देट यू मस्ट यू कैन को रिलेट अबाउट फ्रॉम दिस अभी ये तो हो गया हमारे क्लास से क्या है बट जो हमारा क्लासरूम प्रोग्राम था 2023 का उसमें हमने किया क्या सो इफ आई हैव टू गिव ब्रीफ अबाउट द होल डिटेल्स जो जस्ट अगर मैं बताऊं सो मेंस के इश्यूज बिकॉज़ इट वाज अ क्लासरूम फॉर मेंस और प्रीलिम्स के करंट अफेयर्स को हम कवर करते हैं तो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आई विल टेल यू बट मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से टिल नाउ वी हैव कवर्ड 110 प्लस इश्यूज यस टिल क्यों बोला अभी भी क्लासेस चल रही हैं अभी जो मेंस में हमारे स्टूडेंट्स अपीयर कर रहे हैं मेंस 2023 के लिए उनके लिए अभी भी क्लासेस चल रही हैं एंड वी विल बी कवरिंग फर्दर मोर इश्यूज इन द मंथ ऑफ अभी जून भी बाकी है जुलाई और अगस्त तक क्लासेस चलेंगी काफी इश्यूज कवर हो जाएंगे अभी तक हंड्रेड प्लस इशूज मेन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर हो चुके हैं एंड सिंस वी टीच

दिस इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू नाउ कम्स की जो कोर्स है हमारा उसके फीचर्स क्या है कोर्स के फीचर्स अगर ब्रीफली मैं आपको एक एक करके सारे पॉइंट बताऊं सो हेयर आदि मेन फीचर्स सो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि जो ये कोर्स है ये कोर्स Prelims के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से है एंड द कवरेज फ्रॉम प्रिलिम्स एंड मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से, द कवरेज विल बी वी विल बी कवरिंग द करंट अफेयर्स ऑफ 1.5 इयर्स सबसे पहले यह बात आपको पता होनी चाहिए वीकली थ्री इंटरेक्टिव क्लासेस विल बी देर विद नोट्स इंटरेक्टिव क्लासेस का मतलब हम बहुत अच्छा डिस्कशन करते हैं and the students who are there in our classroom program they will be able to tell you that it's a kind of healthy environment jahan hum ek family ki tarah rehte hain aap kya soch rahe ho kya bol rahe ho and why you are telling that prelims ki classes mein to hum ye bhi discuss karte hain why वो, हम humko basically quiz jo hai uh, prelims ki information quiz format mein karte hain question answer format mein karte hain so the, there we learn why you are thinking like this जब student कोई option mark करता है then we ask why एक अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट है सो इट इज अ इंटरेक्टिव सेशन इंटरेक्टिव क्लासेस होती है मेरी और वीकली थ्री क्लासेस रहेंगी। सो दिस यू शुड नो होलिस्टिक कवरेज ऑफ इश्यूज विल बी डन फॉर मेंस फ्रॉम न्यूज़पेपर एंड नॉट जस्ट एडिटोरियल मेंस में क्या होता है कई सारे पेरिफेरल इश्यूज होते हैं जो किसी और पेजेस पे भी होते हैं ठीक है सो so कोई जरूरी नहीं है वो एडिटोरियल में मेंशन हो उसका बट वी कीप एन आई और उससे हम निकाल के जो भी मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होता है वो इश्यूज हॉलिस्टिक कवर किया जाता है अगर है, तो एमजी नरेगा की देखा होगा कि ओडिशा में ट्रेन एक्सीडेंट हुआ मोस्ट ऑफ यू वुड हैव रेड द न्यूज मस्ट मोस्ट ऑफ यू वुड हैव फेल्ड वेरी बैड अबाउट इट बट मेन्स के पॉइंट ऑफ व्यू के व्यू से देखें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें सो वी शुड कवर द इश्यू ऑफ रेल सेफ्टी नॉट ओनली दैट वहां पर जो लोगों ने जो किया लोगों ने ब्लड डोनेट किया बहुत सारे एक्शन लिए एडमिनिस्ट्रेशन ने कैसे इसको संभाला सो सोल गेट लॉर्ड ऑफ एग्जाम्पल एज वेल तो इस तरीके से आपको वहां से चीजों को पिकअप करना होता है ठीक है सो इश्यूज विल बी कवर्ड इन होलिस्टिक मैनर फ्रॉम मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू आईव ऑलरेडी टोल्ड के न्यूज पेपर वी विल डिस्कस इट एंड वी विल टेल यू हाउ टू यूज इट इन यूर आंसर एक ही एग्जाम्पल को मल्टीपल जगह पे कैसे यूज किया जा सकता है दैट वी टीच

ऑल्सो डू लॉ दैट इज लाइव आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कभी कभी ऐसे सरप्राइज क्वेश्चन दिए जाते हैं आपको क्लास में लाइव यू हैव टू प्रैक्टिस इट विद इन टाइम डेफिनेटली वी डिस्कस इट वी सी योर आंसर एज वेल ठीक है देन जो भी प्रिलिम्स का कवरेज होता है यह हम क्विज फॉर्मैट में करते हैं फर्स्ट जो भी न्यूज है न्यूज पे हम खुद क्वेश्चन बनाते हैं क्वेश्चन बना के आपको दिखाते हैं देन वी आस्क यू वी We कि आप उस क्वेश्चन को परसुएट करते हैं कि आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें वाइल यू आर सॉल्विंग दैट क्वेश्चन मेंटेलिटी आंसर ऑफ दट बट ऑन वॉट लाइन यू आर थिंकिंग उसका कोर्स करेक्शन करना होता है कई लोग गड फीलिंग से कई लोग सर आता कुछ नहीं है बस मार देते हैं सो so ये सारे डिस्कशन होते हैं वंस यू है स्टैंड देन वी डिस्कस इट डिस्कशन होता है उसके नोट्स आपको रनिंग नोट्स ऐसे भी बनाने चाहिए बट वी डू प्रोवाइड नोट्स क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में एंड प्रैक्टिस के लिए वो पीवाई भी आपको दिए दिए जा, दिये जाते हैं पोर्टल पे आप, आ, रहता है आप प्रैक्टिस कर सकते हैं ठीक है एंड फ्रॉम फिल्म पॉइंट ऑफ व्यू वन वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट इज वट एवर वी टीच और दी करंट अफेयर्स उस करंट अफेयर्स को पीवाई और स्टैटिक के साथ लिंक किया जाता है वाइस प्रेसिडेंट का या प्रेसिडेंट का इलेक्शन है डेफिनेटली वो जो न्यूज में चल रहा है वो तो पूछेंगे उसका लिंकेज वोट की वैल्यू कितनी होती है एक एम पी एक एमएलए की वोट की वैल्यू कितनी होती है वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन क्लास इस साल सी एस सी ट्वेंटी थ्री में आया भी था ठीक है स्टैटिक से लिंकेज करना है पी वाई क्यू से लिंकेज करना है सब कुछ होता है सो वी डू दैट वी डू दैट इन आवर क्लासरूम दिस इज अबाउट प्रिलम्स बट दिस ईयर इट वी हैव डन वी हैव ब्रॉट समथिंग एक्स्ट्रा एज वेल ये तो हमारा पिछले साल भी फीचर्स थे दिस इी है वो न्यू फीचर्स क्या है सो न्यू फीचर्स विच हैज एडेड आर फोर्थ नाइटली फिफ्टीन डेज पे एंड मंथली टेस्ट फोर्थ नाइटली टेस्ट एंड मंथली टेस्ट होगा सो दैट वॉट एवर वी आर लर्निंग इन द्लास रूम प्रस का हो मेन्स का हो प्रिम्स के टेस्ट होंगे एंड रिवाइज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो सो इन ऑर्डर टू रीट्रेट और इन ऑर्डर टू अस लर्निंग जो हमने पढ़ाया आप उसको कैसे ले रहे हो इसको इसके असेसमेंट के लिए वी हैव केप्ट एज वेल ठीक है सो मंथली एंड फोर्ट नाइटली टेस्ट विल बी देयर फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड नॉट ओनली दैट लास्ट ईयर जब हमने ये कोर्स शुरू किया तो काफी सारी क्वेरीज आई कि सर ये फ्रेशर्स के लिए है या नहीं है काफी फ्रेशर्स हमारे क्लास में थे फ्रेशर्स का मतलब वो होता है जिन लोगों ने अपनी पढ़ाई अभी अभी शुरू की है अगर आप सिलेबस से फेमिलियर हो या सिलेबस से नहीं भी फेमिलियर हो और अगर सिलेबस की कॉपी है आपके पास देन आई वुड से यू शुड ज्वाइन दिस कोर्स यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम रीडिंग कंपाइलेशन यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम रीडिंग द न्यूज पेपर बिकॉज जो मेच्योरिटी होती है दैट हाउ टू यूज द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द न्यूज पेपर हाउ टू टेक द मटेरियल फ्रॉम द कंपाइलेशन और कंपाइलेशन इतने बल्कि हो जाते हैं एट द एंड यू गेट फ्रस्ट्रेटेड फिर आपको समझ में नहीं आता ये अटेम देना है नहीं देना और देते भी हो तो वेस्ट होता है

जिनको स्टार्टिंग से हु हैव स्टार्टेड देयर यूपीएससी जर्नी और हु आर स्टार्टिंग देयर यूपीएससी जर्नी आप इनक्विजिटिव हो वी विल हेल्प यू सो आपको जो भी स्टैटिक लिंकेज होगा जो भी इंपॉर्टेंट चीजें जो करंट अफेयर्स में नहीं कवर्ड हैं बट आपको जानना चाहिए उस टॉपिक से रिलेटेड फॉर दैट वी विल बी प्रोवाइडिंग यू द नोट्स तो आपका ये हेडेक भी दूर हो गया ठीक है अभी आप ये भी नहीं कह सकते कि सर इसको ज्वाइन करें ना करें आप ये भी नहीं बोल सकते कि सर इट विल नॉट हेल्प अस बिकॉज वी आर फ्रेशर कोई बता देता है आपको तो आपको ये या चीजें याद रह जाती है ठीक है सो न्यू फीचर्स हैव डिजाइंड नो हाउ इट इज गोइंग टू कम दैटिंग नाउ कम्स फीचर्स देख लिया हमने बट इंपॉर्टेंट है कि जो कोर्स है उस कोर्स का ड्यूरेशन क्या है सो द कोर्स ड्यूर कोर्स का जो ड्यूरेशन है इट इज ऑर 14 मंथस ये यू विल बी डेव विद मी फॉर नेक्स्ट 14 मंथस एक साल से भी ज्यादा आप मेरे साथ रहेंगे हफ्ते में तीन क्लासेस हम साथ करेंगे ओके एंड हाउ इट विल गो सो द दर्स्ट सेवन मंथस एंड मीन्स बोथ सो जुलाई ट्वेंटी थ्री से वी आर स्टार्टिंग जुलाई आने वाला जुलाई फिफ्थ जुलाई से वी आर स्टार्टिंग एज आई टोल्ड यू इन स्टार्टिंग एज वेल सो जुलाई फिफ्थ से जनवरी ट्वेंटी फोर तक जनवरी थर्टी फर्स्ट तक हम प्रिलिम्स और मींस दोनों पढ़ेंगे February to May 24. That is for next four months. We will be dealing, or we will be the classes will be only related to prelims. Prelims only classes will be there. Your next three months hoga, after your prelims, that is from June till August 24, it will be the three months will be around mains issues only. So mains only will be taught to you. Okay? So this is how we are you are going to stay with me for next 14 months. 14 मंथ्स हफ्ते में तीन क्लासेस होंगे आई एम वेरी श्योर जो आप अपनी क्लासरूम आप कोचिंग करते हो या जहां आपने और बल्कि अमाउंट दे के क्लासेस की हैं उससे एंगेजिंग क्लासेस होंगी एट वेरी नॉमिनल फी आई विल टेल यू द फी एज वेल एंड इट विल बी एंगेजिंग बहुत एनरिचिंग एक्सपीरियंस होगा विद इन एवरी वीक यू आर देव विद मी फॉर थ्री डेज पर वीक ठीक है सो ये हो गया ड्यूरेशन सो सेवन प्लस फोर प्लस थ्री नेक्स्ट अब बात आती है कि फी वगैरह क्या है बट बिफोर आई टेल यू द फी लेट मी टेल यू क्लासेस में हमने जो पढ़ाया पढ़ाया उसके अलावा वी ऑल्सो रिलीज्ड क्लास में जो भी हमने करंट अफेयर्स पढ़ाया था सो वी रिलीज द टॉपिक्स विच यू मस्ट कवर बिफोर यू एंटर द एग्जामिनेशन हॉल इफ यू हैव कम अक्रॉस दिस देन यू मस्ट बी नोइंग दैट दिस दिस टॉपिक लिस्ट वाज बाय अस ओनली रिलीज इट इन टू पार्ट्स पार्ट वन पार्ट टू जहां पे हमने पार्ट वन में अराउंड 760 प्लस टॉपिक्स दिए थे और पार्ट टू में 78 टॉपिक्स दिए थे एट so हंड्रेड 800 850 प्लस टॉपिक्स था इट हैप स्टूडेंट्स इन एनालाइजिंग व्हाट हमने यहां पे क्या किया था हमने एक टॉपिक लिस्ट दिया था और उसका यह दिया था वाई इट वर्स इन न्यूज ये लास्ट मोमेंट के रिविजन के लिए स्टूडेंट्स को पूरे इंडिया में हमने रिलीज किया था एंड लेट मी टेल यू बहुत ही खुशी हो रही है दैट इट पाँच हज़ार स्टूडेंट्स पाँच हजार सीरियस एसपिर एस्पिरेंट्स के पास ये पहुंचा था दिल्ली में बैंगलोर में एंड ऑनलाइन के थ्रू हर जगह ऑफलाइन हमने इसको बैंगलोर और दिल्ली में डिस्ट्रीब्यूट किया था और ऑनलाइन के थ्रू इट हैज रीच्ड टू ऑलमोस्ट फाइव थाउजेंड स्टूडेंट्स एंड वी गॉट लॉट ऑफ मैसेजेस बहुत सारे एस, ए, 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 ए लोगों ने तारीफ की अप्रिस मिले और काफ़ी तारीफ हुई कि सर ये हमारे लास्ट मोमेंट के लिए बहुत हेल्पफुल था ये इससे हमें पता चला कि चेकलिस्ट कि व्हाट वी हैव डन व्हाट वी हैव नॉट डन सो दिस वाज रिलीज्ड बाय यस सो ये भी एक थोड़ा सा एक हमारी कोशिश थी एसपेरेंट्स को हेल्प करने की नाउ कमिंग टू कि ये जो कोर्स है यू शुड नो वन थिंग अबाउट दिस कोर्स इज़ दैट न्यूज़ एंड कंपाइलेशंस विल नॉट स्केयर यू एनी मोर इट मीन्स देर इज नो नीड टू रीड द न्यूज पेपर अगर आपको पढ़ना भी है न्यूज पेपर यू रीड इट फ्रॉम टू पॉइंट ऑफ व्यू वन आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस में हेल्प करेगा सेकंड इफ यू वॉन्ट टू रीड रीड इट फ्रॉम योर ऑप्शनल पॉइंट ऑफ व्यू ऑप्शनल से ऑप्शनल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या क्या एग्जाम्पल्स उसमें कलेक्ट करने पी एस आई आर जोग्राफी एंथ्रो वॉट एवर इट इज ठीक है सो रीड इट फ्रॉम योर ऑप्शनल पॉइंट ऑफ व्यू एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पॉइंट ऑफ व्यू वाई आई एम टेलिंग दिस बिकॉज आई हैव सीन की इसके बाद भी

दोनों चीजों की होनी चाहिए तभी हम बैलेंस तो well. तो ओनली का जो है, वो से भी आप ले सकते हो सो दैट इज ऑफ सेवन थाउजेंड रुपीज यू कैन कॉन्टेक्ट एस फॉर एनी डिटेल और कोई डाउट है तो बट बट लेट मी टेल यू शायद इसके बाद भी आप लोगों को होगा कि सर करें या ना करें और कैसे करना चाहिए अगर so आपको देखना है so so सो लिंक भी मैं दे दूंगा, आप लिंक पे जाके देख सकते हैं अगर आपको सिर्फ का चाहिए तो बट इसके बाद अगर आपको डाउट है कि सर आई वॉन्ट टू टेस्ट आई वॉन्ट टू नो वेदर इट विल बी suitable फॉर मी और नॉट देन लेट मी टेल यू देर इज अ गुड न्यूज फॉर यू सो यू कैन ज्वाइन अस एट जस्ट रुपीज नाइन नाइन फॉर द फर्स्ट मंथ टू सी इफ इट इज सुटेबल फॉर यू और नॉट और जो हमारी स्टाइल है जो हमारा कवरेज है उसकी क्वालिटी देखनी है आपको वो आपको सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है सो फॉर दैट यू कैन जस्ट बाई दिस कोर्स फॉर द फर्स्ट मंथ एट रुपीज नाइन नाइनटी नाइन करो देखो कहते हैं ना एक कहावत पहले एड आता था पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें सो यू कैन डू दैट बाकी जो स्टूडेंट हमें जानते हैं दे नो वॉट टू डू एंड वी हैव बिन ऑलरेडी गेटिंग मैसेजेस दैट सर वी आर वेटिंग फॉर द नेक्स्ट ईयर बट अगर किसी को यह डाउट आ रहा है कि सर आई जस्ट वॉन्ट टू सी हाउ इट विल हाउ इंटेंसिव इट विल बी हाउ इट विल हेल्प मी तो यू हैव दिस ऑप्शन एज वेल नाउ हाउ टू अवेल दिस ऑप्शन ये अलग से लिंक नहीं जो हमारा फुल कोर्स है उसी के लिंक में कैसे आप अवेल कर सकते हो लेट मी

सो ट्रायल पैकेज में आपको क्लिक करना पड़ेगा जब तक क्लिक नहीं करोगे ये ट्वेंटी ही दिखाएगा वेन यूल क्लिक ऑन ट्रायल पैकेज यूल गेट ऑप्शन एंड द ऑप्शन विल बी दिस वन नेट पेबिल इज 999 नाइनटी जिस डेट पे करोगे उस डेट से वन मंथ तक आपको एक्सेस रहेगा 999 पे आफ्टर वन मंथ द ड्यू अमाउंट विल बी रिफ्लेक्टेड टू यू इफ यू वांट टू बाय इफ यू वांट टू टेक द कोर्स यू कैन पे ऑन द सेम लिंक If you don't want, then fine, no problem. Okay, so this way you can go through, you can avail the benefit of this one month as well. Okay, so this is guys, this is it about our course, and uh, I'm sure that it will be very helpful for all those who have been struggling, who have been. Uh, आर वरीड अबाउट दियर करंट अफेयर्स करेंट अफेयर बिकॉज आई मोस्ट ऑफ द टाइम अभी पिछले हफ्ते ही मैं किसी से बात कर रहा था कि आप कवर कैसे करते हो सर हम डेली हिंदू पढ़ते हैं न्यूज़पेपर अगर पढ़ते हो तो उसके बाद क्या करते हो सर पढ़ा रोड सेफ्टी रेल सेफ्टी देखा कि एक्सीडेंट हुआ है पढ़ने के बाद क्या किया सो यू नो वॉट होता क्या है कि कई बार जो है हमें लगता है कि हम पैसे बचा लेंगे कई बार हमें लगता है कि वी आर डूइंग गुड और दिन भर हम पढ़ाई कर रहे हैं दो दो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं बट इफ यू आर नॉट लर्निंग इट इफ यू आर नॉट लर्निंग दी एप्लीकेशन आस्पेक्ट ऑफ इट अगर आपको कोई यह बताने वाला नहीं है कि उसका एग्जाम ओरिएंटेशन क्या है देन लेट मी टेल यू वी आर जस्ट वेस्टिंग आवर टाइम एंड आई एम नॉट टेलिंग दिस दैट यू शुड कम एंड ज्वाइन दिस कोर्स मैं इसलिए बता रहा हूं कि कई बार हम जो हमारे इनिशियल ईयर्स होते हैं प्रिपरेशन के उसमें टाइम वेस्ट कर देते हैं ये जानते हुए भी शायद वी आर इग्नोरेंट हमें पता ही नहीं होता हम करके आ रहे हैं और कई बार हमें पता है कि वॉट इज हेल्पफुल बट देन ऑल्सो वी आर हेजिटेंट एग्जाम के कुछ साल बाद बहुत रिजिडिटी आ जाती है सो इफ यू आर स्टार्टिंग फॉर 2024, ओनली वन मैसेज आई वांट टू गिव स्टार्ट फ्रेश स्टार्ट विद विदिग्नर्स माइंड सेट भूल जाओ अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को कोई भी प्रॉब्लम हो कोई भी डाउट हो यू कैन अप्रोच एस एंड फील फ्री टू डिस्कस ओके अपनी स्ट्रेटजी डिस्कस कर लो कोर्स चलो ठीक है इट्स योर चॉइस बट आई एम श्योर वॉट एवर कोर्स वी आर ब्रिंगिंग इट इज जस्ट टू एम्बाइड एक्सेलेंस एज आवर टैगलाइन इज वही एक ऑब्जेक्टिव है ठीक है सो सी यू ऑल इन द क्लास सी ऑल वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द फिफ्थ जुलाई कोई भी डाउट हो यू फील फ्री टू अप्रोच एंड टेक केयर सी ऑल बाय